बालकों को नियमित स्कूल आने की आदत डलवाने और अनुशासन सिखाने के लिए शिक्षा विभाग डीएम साहब को लेटर लिख रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आमने सामने हैं, क्योंकि लगातार पत्राचार हो रहा है शिक्षा विभाग और पटना के डीएम के बीच। पत्राचार ना यूं कहें बल्कि यूं कहें कि लेटर वार हो रहा है। पहले शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, धारा 144 के तहत स्कूलों को बंद करने को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन पटना के डीएम ने स्कूल बंद कर दिए। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से फिर लेटर आया और डीएम साहब ने जवाब दिया। वैसे में मामला आगे बढ़ गया, धारा 144 पर चर्चा होने लगी और पटना के डीएम ने सामने आकर कह दिया कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, जो कानून के तहत जरूरी है वो काम किया गया है। पहले जान बचाना जरूरी है और इसके लिए किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम बातें सामने आई और उसके बाद डीएम साहब ने फिर एक बार ठंड को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी 25 जनवरी तक बढ़ा दी है। और इसके पहले जो शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर लिखा गया, जिसमें डीएम के नाम ये लेटर लिखा गया, जिसमें कई सारी बातें कही गई, जिसमें एक बात निकल कर सामने आई कि शिक्षा विभाग आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। जी हाँ, शिक्षा विभाग शिक्षकों को अनुशासित करना चाहता है, शिक्षकों को नियमित विद्यालय लाना चाहता है। तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या शिक्षक नियमित स्कूल नहीं आते हैं? सवाल है। हालांकि ये जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके द्वारा जो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को लेटर लिखा गया है, उसमें 8वें नंबर बिंदु पर आपको ध्यान दिलवाना चाहेंगे। और ये आप देखिए जो लिखा गया है इसमें, जिसमें कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि अब शिक्षा विभाग जिलाधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत विद्यालय बंद करने की परंपरा से रोक रहा है, तो इसका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि शीतलहर में भी बच्चे विद्यालय आए, अपितु उसका मूल उद्देश्य यह है कि चूंकि सभी सरकारी शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 6 लाख है, वे अब सरकारी कर्मचारी के समकक्ष हो चुके हैं। इनमें 2 लाख बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक भी शामिल हैं। इस मौसम में जब सरकारी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या अन्य सभी कार्यालय के कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में जाते हैं, तो उसी प्रकार शिक्षा विभाग का यह मानना है कि इन शिक्षकों को भी अपने कार्यालय यानी विद्यालय आना चाहिए और निश्चित समयावधि तक वहां बैठना चाहिए। इसका सीधा संबंध शिक्षकों या विद्यालय अध्यापकों को अनुशासन में लाना है। इस बात को जिला प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा विभाग इस बात की से भलीभांति अवगत है कि इतनी शीतलहर में बच्चे विद्यालय खुलने के बावजूद नहीं आएंगे, किंतु विद्यालय यदि खुला रहता है तो उससे विभागीय अनुशासन सुदृढ़ होता है और उस दौरान विद्यालय के अन्य प्रशासनिक एवं अभियंत्रण संबंधी कार्य होते रहते हैं। अतः उपरोक्त मौलिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग सभी दंडाधिकारियों से यह आशा करता है कि वह 6 लाख शिक्षकों को नियमित विद्यालय आने की आदत डलवाने में इस विभाग को सहयोग करे। तो सहयोग मांग रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने यह तर्क दिया है कि शिक्षक अनुशासित होंगे, रोज स्कूल आने की आदत पड़ेगी उनमें। तो क्या शिक्षक रोज नहीं आते हैं? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों को तो आदेश है रोज स्कूल आना है, और ऐसे में जिस तरह से तर्क दिया गया है कि इस मौसम में जब सरकारी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या अन्य सभी कार्यालय के कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में जाते हैं, तो शिक्षक क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? ये तमाम तरह के तर्क शिक्षा विभाग की तरह से डीएम साहब को दिए गए हैं। पटना डीएम, जिन्होंने स्कूल बंद किया है शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए, और उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, उसमें ये तर्क दिया गया है कि मूल उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ विभाग का ये कहना है कि उन्हें पता है कि स्कूल खुले रहने के बावजूद बच्चे नहीं आएंगे। जब आपको पता है कि स्कूल खुले रहने के बावजूद बच्चे नहीं आएंगे, शिक्षकों को तो स्कूल आने का आदेश जारी किया ही गया है, तो ऐसे में फिर लड़ाई कहाँ है? क्यों आखिर ये लड़ाई लड़ी जा रही है पटना डीएम वर्सेस शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के बीच?
और अब इस बिंदु को समझते हुए आगे आप विचार कीजिए कि आखिर ये लड़ाई क्यों है, वजह क्या है, कहीं नाक की लड़ाई तो नहीं बन गई है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।